हेलो, कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे व्याकरण का वचन, पाठ 7 वचन। ठीक है, देखो बच्चों, वचन में क्या होता है, इसमें हमें जिन संज्ञा शब्दों से एक या अनेक, एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, और वचन जैसे एक, अनेक और इसी के, जैसे लड़की, लड़कियां, लड़के, लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, ये क्या हो जाता है बच्चों? बच्चा से पता चल रहा है कि वो एक बच्चा है, और बच्चों से पता चल जाता है कि वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, अब देखो वचन की परिभाषा। संज्ञा शब्द जो हमें बताता है कि संज्ञा एक वचन या बहुवचन है, उस शब्द को वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, ये समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, संज्ञा शब्द जो हमें बताता है कि संज्ञा एक वचन है या बहुवचन है, उस शब्द को वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, मैंने भी आपको बताया था ना कि जैसे लड़की, लड़कियां, तो वो क्या है, लड़की से पता चलता है कि एक लड़की है, और लड़कियां से पता चलता है कि बहुत सारी लड़कियां हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, वचन बदलने के नियम। आ के स्थान पर ए लगाएं। कमरा, कमरे, इससे क्या पता चल रहा है कि कमरा एक है और कमरे बहुत सारे हैं। केला, केले, बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, एक केला है, ये इधर बहुत सारे केले हैं। एक बच्चा है, ये इधर बहुत सारे बच्चे हैं। लड़का, लड़के, यानी लड़का अकेला है और लड़के बहुत सारे हैं, है ना बच्चों? तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें इससे ये पता चल रहा है कि आ के स्थान पर यदि हम ए लगा दें तो उससे वचन बदल जाते हैं, है ना? आ के स्थान पर ए लगाएं तो वचन बदल जाते हैं। अब देखो बच्चों, आ के स्थान पर ए लगाएं, आ के स्थान पर ए लगाएं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कमरा, कमरे। अब यहाँ मैंने लाइन बना दी है, इससे आपको पता चल रहा है आ के स्थान पर ए लग गया। केला, आ के स्थान पर ए की मात्रा लगी है। बच्चा, बच्चे पे भी आ के स्थान पर दूसरे वाले में बच्चे, ए की मात्रा लगी। लड़का, लड़के, यहाँ भी ए की मात्रा लगी। तो बच्चों देखो, जब हम आ के स्थान पर ए लगाएंगे, जैसे हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ लिखा कमरा, कमरे, जैसे मेला, मेले, गधा, गधे, कुत्ता, कुत्ते, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े, चादर, चादरें, ठोकर, ठोकरें, पुस्तक, पुस्तकें, पेंसिल, पेंसिलें, है ना? देखो ये बदल गए ना, इनके एक हमने आ के स्थान पर ए लगा दिया है। देखो बच्चों, ऐसे तो बहुत सारे शब्द और भी हैं। देखो यहाँ वचन बदलने के नियम। या की जगह पर या लगाएं, यानी या की जगह हमें चंद्रबिंदु वाला या लगाना है। जैसे गुड़िया, गुड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ। तो बच्चों वचन बदलने के तो बहुत सारे नियम हैं, है ना? ऐसे ही हमने जब या लगाया तो गुड़िया हो गया और डिबिया हो गया, बुढ़िया हो गया। इस प्रकार से अनेक शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। जैसे बुढ़िया, बुढ़िया का हम अगर हम लिखें, हमें बहुत सारी बुढ़ियों का लिखना है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? बुढ़िया। क्या लिखेंगे बच्चों? बुढ़िया, है ना? ऐसे ही हम पेंसिल, पेंसिलें, चादर, चादरें, और यदि हम लिखें
कक्षा कक्षाएं, माला मालाएं, बाला बालाएं, धारा धाराएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, है ना, ऐसे ही कथा कथाएं और वस्तु वस्तुएं, कला कलाएं, शाखा शाखाएं। इस प्रकार से हम इन नियमों इन शब्दों को बदल सकते हैं। माता माताएं, यदि हम अपनी माँ के लिए बात कर रहे हैं तो हमें लिखना होगा माता, और यदि हम सबकी माँओं की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, माताएं। क्या लिखेंगे बच्चों, माताएं, है ना। अभी जैसे हमने यहाँ या से बदले हैं, ऐसे ही ओ से भी बदले जाते हैं। ओ जैसे आदमी आदमियों, माली मालियों, नाली नालियाँ, कोठी कोठियाँ, लड़की लड़कियाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, राखी राखियाँ, प्याली प्यालियाँ, नदी नदियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ। तो बच्चों ये हमारे क्या थे, वचन। वचन की परिभाषा हमने देखी। वचन की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसके एक ही एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तारा पेंसिलें कुर्सी चाबी आदि, ऐसे ही बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तारे पेंसिलें कुर्सियां चाबी आदि, है ना बच्चों। क्या हुआ कि एक वचन और बहुवचन की परिभाषाएं हैं वो हमें कैसे पता चलती हैं। एक वचन मैं फिर से बोल देती हूँ, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तारा पेंसिल कुर्सी चाबी आदि। और बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे तारे पेंसिलें कुर्सियां चाबियां आदि। देखो बच्चों, विशेष सम्मान या आदर के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी कल आएंगे, अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, तो इनके लिए भी हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ भी वचन बदल जाते हैं। बच्चों ये सारा काम आप अपनी कॉपी में करेंगे और अच्छे से इसे याद भी करेंगे। धन्यवाद।